बात है भाई। अबे जूम कितना जाना है बे? मैं भी हूँ भाई। हमने वृंदावन दिखाई दे रहा है बट जा नहीं पा रहा है। पहले जाना है हम लोग को दिल्ली। देखो सामने वृंदावन दिखाई दे रहा है भाई। ये मथुरा है वृंदावन? हाँ मथुरा है। हाँ मथुरा, सॉरी मथुरा। इधर तो गाड़ी रुक भी नहीं रही, तो बाहर जाके ब्लॉग बना लेते हमें भाई। फुल रईसी चल रही है हम लोगों की, फुल रईसी। बिल्कुल रुक मान नहीं रहे हम लोग। क्यों मान रहे हैं? फुल रईसी कर रहे हैं ना अपन। और गाइस यहाँ पर चेन पुलिंग हो चुकी है और अब भीड़ देखो, भीड़ गाइस देख सकते हैं बाहर भीड़ कितनी है। ये सब लोग वृंदावन के लिए बैठे हैं। बंद कर दो। वृंदावन में रुक चुकी है मथुरा। मथुरा में रुकी वृंदावन में? मथुरा में रुकी है। अबे वृंदावन को अलग है, मथुरा अलग है। फुल भीड़ है भाई। दो लौंडे खड़े हैं मेरे। कोसीकला स्टेशन पे खड़े हैं बट यहाँ पे ये सीन हो गया है कि भाई तुम लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? भाई तुझे परेशान करने में तो मुझे रशियन मिल गई ना। ओ भाई रशियन चाहिए तुझे? भाई भाई क्या हो गया सीधे बताओ। भाई गिट्टी गल गई, भाई गिट्टी गल गई। तो ब्लॉग गिट्टी गली वो यहाँ से घुसी वहाँ से निकल गई भाई। फट गई समझे? फट गई भाई बिल्कुल लिटरली बिल्कुल। कुछ नहीं कर सकता भाई, दिखाओ भीड़ देखो तुम। ये रेलवे का काम है, कोई आया नहीं है। कोई भी नहीं आया भाई, कोई भी नहीं आया। बेचारा भी लेट है। तो धूल साफ कर रहे हैं बहुत। किसी को बोल के हो सकता है। देख लो मैं रेलवे एक बार यहाँ फोन किया था गाइस, दिल्ली पहुँचे नहीं है बट ए भाई शांत रहो, दो मिनट शांत रहो। बोल दिन तो पहले अच्छे से खा चुके हैं बहुत महंगा। 12 बज चुका है रात के, 2 बजे के बैठे बैठे आए यहाँ सीधे, ठीक है? और दिल्ली की हवा भी खा जाएगी मैंने। ठीक है सर, दिखाता हूँ पहले बाहर निकल दो। वो दिल्ली है। कौन बज रहा है भाई? मेरा भैया प्रो। मिलते हैं अपन। ओके बॉस। दिल्ली की हवा जी नहीं है, मजबूत है। मजे नहीं थे ना भैया? ये भैया थे हमारे। क्या हो गया? चलो आ जाओ। फुल भीड़ है भाई, फुल भीड़। बज चुके हैं रात के 12 बज चुके हैं। बस 11 बजे हाँ 11 बजे हैं, 12 बजे हैं। बात एक ही है ना, 2 बजे के बैठे बैठे 14 मिनट हो चुके हैं। 11 बज के 14 मिनट हो चुके हैं और दिल्ली पहुँच चुके हैं। अब कोई शर्म नहीं है मुझे दिल्ली में भाई। यहाँ से फुल देखो कांगे से कहाँ से लेना? क्या हो गया? हाँ चल भैया के संग चल रहे, भैया पहुँचा देंगे अपन को बाहर। भाई का तुम्हें एक ट्रिक बता दे रहा है भाई। अभी तो हाल फिलहाल मैं बहुत थक गया हूँ मैं तो, बस होटल ढूंढ के पहले भाई मेरे को तो जाना है। किधर जाना है? बता रहा जब भी निजामुद्दीन उतरो ना, अगर और कुछ नहीं करना आगे बैठोगे पहला ब्रिज छोड़ के दूसरे ब्रिज पे चढ़ना, बस राइट होना लेफ्ट होना सीधा पास बस पीछे हो गए तो पीछे से पहले ब्रिज। भाई 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 सब भाई थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। इस ट्रेन ने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत बुरा साथ, बहुत बुरा साथ दिया भाई। 4 घंटे लेट है, 4 घंटे लेट है भाई, बहुत ज्यादा ही। बस मजा आ गया भाई। भैया थे ये वाले, भैया ने मजा दिलवाया है पूरे ट्रेन में अपन को, पूरा टाइम पास सब कुछ भैया जी। बस अब बाहर जाके मिलते हैं आपको। दिल्ली पहुंच चुके हैं बट बहुत खुशी हो रही है। अब भाई
यहाँ से अपन को किधर जाना है? कनॉट प्लेस मिला हम लोग को दिल्ली में आके, वो तो मिल गया, जो मिल गया वो ले लिया हम लोगों ने, कुछ भी मिल गया ले लिया, तो हार गया। स्टेशन के बस सामने एसी मेरी सब ऐसे ही, हाँ साई गेस्ट हाउस है और दूसरी बात बट जस्ट स्टेशन के सामने ही है। ओ बचकर भाई, देखो सामने जैसे स्टेशन है, जस्ट उस स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है बस मुझे। सामने फुल स्टेशन है, ऑटो वाटो खड़ी है पूरी चारों तरफ, अलग ही लग रहा गाइस, अलग ही। पहली बार आया हूँ ना मैं, पहली बार दिल्ली में पैर रखा है मैंने आके, वही भाइयों के संग घूमने के लिए। भाई अब तो सिर्फ मुझे खाना खाने चलते हैं, पैसे नहीं जा रहा, बाल छोड़ दिख रहे हैं सॉरी, बट अभी सब लोग फ्रेश फ्रेश हो रहे हैं। बट एक चीज़ मैं देखो गलती से ले आया, बट देखो 80,000 के सूज ले आया मैं संग में जाके, बट पूरा फैला फैला डरा है सर। भाई क्या हो गया, स्टेप बना रहे क्या भाई? मजा क्यों आ रहा है यार, एक नंबर मजा आ रहा है। बस खाना खाने जा रहा है बस नीचे, पहली मैं तीसरे बदलू ऊपर का और फिर निकलता हूँ यहाँ से खाना खाने के लिए, पहले कम ही करना पड़ेगा ना भाई। दो मिनट भाई, बाहर का व्यू दे रहा है सैफ भाई, अंदर एक कोई गया है अंदर, बस मज़ा आ रहा है। रेडी हो चुका हूँ बट एक दिक्कत हो गई है, मतलब प्रेस करके मम्मी ने रखी थी, बस पूरी बेकार हो गई है, गुस्सा आ रही बहुत भयंकर बस मुझे। भाई भी आप चड्डे में तैयार, बस सैफ भाई आप चड्डा अपना भूला है, सैफ भाई चप्पल भूल गए, हाँ और जे भाई ने देखो छोड़ो कुछ नहीं बोलो, निकलते खाना खाने के लिए पहले नीचे। मैं नहीं आ रहा बस, किधर जाऊँ मैं खाने के लिए बताओ, किधर चलना है खाने के लिए? ये भी है भाई, इधर नहीं खाएंगे बस हम, समझ में आया हम लोग तो, हम लोग गुस्से हैं इस होटल में, अच्छा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा, रात के 12 बज चुका है, वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, आंखें अजीब सी लग रही है, क्यों और कल का ब्लॉग फिर दिखाते हैं अब कैसा होता है, तो कर देते भाई एडिटिंग, बहुत थक चुका हूँ, ब्लॉग कैसा लगाओ करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, दोनों के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो गाइस, आईडी देखो, मेरी भी कर दे, सॉरी 254, ठीक है गाइस।